देहरादून में आप सभी का खैर मकदम है। आज ऐसी दो खबरें हैं जिस पर तस्करा करना इंतहाई जरूरी है। दोनों खबरों को मनुवादी सोचो फिक्र या फिर संघी विचारधारा के लोग कैसे अपना दोगलापन, अपना दोगला रवैया, फिर एक तरह से देश विरोधी कार्रवाइयों में मुलविस होने की दलील के तौर पर देखा जाए तो गलत ना होगा। एक कर्नाटक के रायचूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को खुद अदालत के जज नहीं लगाने से इनकार करते हुए जब तक इस तस्वीर को निकाला नहीं जाएगा 26 जनवरी के यौम जमहूरियत के इजलास में शरीक नहीं होगा कहा। दूसरा मामला है महाराष्ट्र का, जहां मालवनी जो मुसलमानों के अक्सरियत इलाका है, मालाड के करीब मैदान का नाम टीपू सुल्तान मैदान रखने का फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने लिया, जिस पर भाजपा और संघी विचारधारा के लोगों ने ऐतराज करते हुए टीपू सुल्तान को देश विरोधी और हिंदू विरोधी कहते हुए इस नाम को ना रखने की मांग की। अब दोनों मामलों में मौजूदों पर बहस छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर तो कर्नाटक में 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने के मामले को लेकर हंगामा बरपा है। रियासत कर्नाटक में दलित और दिगर तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए जबकि उदय से ही मल्लिकार्जुन गौड़ा को बाहर करने की मांग की जा रही है। दलितों के साथ दिगर मुल्क के देशभक्त अवाम का कहना है कि जिस महामानव ने इस मुल्क के संविधान को बनाया, इसकी रचना की, उसी की तस्वीर को हटाकर गांधी जी की तस्वीर को लगाया जाए। अब एक और दिलचस्प बात यह भी है कि गांधी जी की तस्वीर को साजिश का ही हिस्सा कहा जा सकता है, जबकि खुद संघी विचारधारा के लोग महात्मा गांधी को सरेआम गालियां देते हैं और बारहा इसका नजारा सभी ने देखा है। हाल ही में कालीचरण ने जो अल्फाज देश के राष्ट्रपिता को लेकर कहे हैं, इस पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसी तरह हिंदुत्ववादी भी पानी पी पी कर गांधी जी को कोसते रहते हैं, लेकिन किसी तरह तफरका फैलाने के लिए गांधी जी की तस्वीर को बाबा साहब की जगह पर रखकर बाबा साहब की अहमियत को घटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इल्जाम भी लगाया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बारहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर या मूर्ति की तौहीन भारत के मुख्तलिफ जगहों पर होती भी देखी हुई है। ऐसे वारदातें मुल्क में बारहा लोगों ने देखी भी। अब तो संविधान को ही जलाने की वारदातें अमल में आने लगी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे दायर किए गए हैं, ये अलग बात है। लेकिन संविधान रचाते बाबा साहब को महज इसलिए नफरत करना क्योंकि वो दलित है, ये इन्हीं मानसिकता वाले लोगों को दर्शाता है जो देश विरोधी कारनामों में मुलव्वस रहते हैं। खैर, अब इस पर काफी चर्चा जारी है, एहतजाज भी हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बात की जाए तो जिस बहादुर शेर मैसूर ने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भी इन्हीं जातिवादी लोगों ने इन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश किया और कुछ लोगों ने इसे मान भी लिया। इस मुल्क की बदनसीबी ही कह सकते हैं जिसने मुल्क हिंद के लिए सब कुछ निछावर किया, यहाँ तक अपने बच्चों को तक गिरवी रखा, उस शेर हिंद को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर संघी विचारधारा के लोग नफरत का जहर माचरे में खोलते रहते हैं। आज जब हुकूमत महाराष्ट्र ने मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने की कोशिश की तो इनके पेट में दर्द होने लगा। जाहिर है देश की खातिर जिन्होंने भी कुर्बानी दी है इनसे इन्हें नफरत हो जाती है, क्योंकि इन्हीं संघी विचारधारा के लोगों ने इस मुल्क की खातिर कुछ भी नहीं किया। यह तारीख की सच्चाई है और यह तारीख में दर्ज है। अंग्रेजों की गुलामी ने बहुत पसंद थी और आज भी तारीख की किताबों में इसे दर्ज किया गया है कि अपनी जान की भीख मांगने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों के मुखबिर बनकर स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि मुजाहिद आजादियों की खबरें अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। इसलिए इन्हें टीपू सुल्तान से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी से इन्हें नफरत है और जहां भी मौका मिलता है किसी भी इनकलाबी शख्स को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और नफरत बोलने का काम करते रहते हैं। आज शेर मैसूर, शेर कर्नाटक, शेर हिंद, टीपू सुल्तान, पूरी दुनिया जिनकी बहादुरी के सामने सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो जाती है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कर्नाटक में उन्हें वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हमें शिकायत मुसलमानों से भी है, हमने अपने बच्चों को टीपू सुल्तान की कहानियां, इनके बहादुरी के वाकयात सुनाने से कहीं तो कमी रही, कासिर रहे। जाहिर है संघियों ने इनसे नफरत को बढ़ावा दिया। स्कूली किताबों से भी टीपू सुल्तान का नाम हटाया जा रहा है। भाजपा संघ परिवार इनके जितने भी गुरु घंटाल रहे हैं इनकी तारीख रही है कि अमर की आजादी में इनका कुछ भी हिस्सा या योगदान नहीं रहा, लेकिन आज सबसे बड़े देशभक्त बनकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कमल छाप साबुन ऐसा है जिसने भी इस साबुन से नहा लिया वो साफ सुथरा देशभक्त बन जाता है। लिहाजा मुल्क को बांटने वाले देश विरोधी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। नकली देशभक्तों का दौर कहीं तो भी खत्म करना होगा। मुगलों के नामों को मिटाने के लिए गांव के नाम मिटाए जा रहे हैं। आज तारीखी धरोहर को मिटाकर झूठी तारीख, झूठा इतिहास रकम करने की कोशिश की जा रही है। अगर वाकई हिम्मत है तो नए गांव बनाओ, नए नाम दो जो आप देना चाहते हैं।
पुराने नाम गांव जिन्हें बनाने में तुम्हारा कोई योगदान ना कोई हिस्सा रहा उन्हें मिटाकर क्या साबित करना चाहते हो। लिहाजा टीपू सुल्तान के नाम को भी मिटाने की कोशिश तो जारी है, क्योंकि जिन लोगों ने अंग्रेजों की चापलूसी और जी हुजूर की है झूठी कहानियों के जरिए बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इन्हें इसलिए नफरत है क्योंकि एक दलित शख्स ने संविधान की रचना की और जातियों को खत्म कर एकता बंधुत्व को बढ़ावा दिया। लिहाजा मौजूदा वक्त में जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को उस जगह से निकालने की जिद करना जहां पर उसी संविधान के तहत फैसले सुनाए जाते हैं, इसका मतलब किस इंतहा तक संघियों की विचारधारा का तसल्लुत होता जा रहा है। लिहाजा अगर मुल्क का असली देशभक्त जागेगा और समझेगा कि टीपू सुल्तान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान और इनकी तालीमात को हम आने वाली नस्ल तक पहुंचाएंगे और अंग्रेजों की नस्ल जो आज भी भारत में जिंदा है और गोडसे का महिमा मंडन कर रही है इन्हें सबक सिखाएंगे ताकि इस देश की एकता अखंडता और भाईचारा संविधान महफूज रहे, क्योंकि संविधान जिंदा रहेगा तो ही मुल्क बचा रहेगा और हर भारतीय अमन अमा के साथ जिंदगी गुजर बसर करेगा। देखिये टीपू सुल्तान का विवाद जो है आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य हाँ हिस्टोरियन पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं, हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ टीपू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपके मुँह में शोभा नहीं देती। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास नया इतिहास मत लिखिए, जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए, ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये एक नौटंकी है। हमें मालूम है मुंबई में मुंबई महानगर पालिका BMC महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। सर टीपू सुल्तान के नाम को लेकर क्या महाराष्ट्र में कुछ दंगे करने का या कौन करेंगे दंगे, हिम्मत है कौन करेंगे दंगे बताइए, जो दंगे करने की बात करते हैं ना करके दिखाइए, या ठाकरे सरकार है करके दिखाइए दंगे। धारवाड़ से उन्नत्या मीनभावी के करीब पानी की पाइपलाइन फूटने से सड़क पर फवारे की तरफ पानी आ रहा था, लेकिन KSRTC बस में जबकि पैसेंजर बैठे हुए थे इसके बावजूद पानी के दरमियान से बस को चलाया, जिससे किस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया बस ड्राइवरों की जानिब से अख्तियार किया जाता है देख सकते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा पेश आता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। लिहाजा धारवाड़ सौंदत्ती का ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद। शुक्रिया अल्लाह ಸರ್ ಸರ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಡ್ರಿ 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 ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ನೀವು ಹೋದ ಸರ್ ಹೋರಿ 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 ಹಡ್ರಿ ಹಡ್ರಿ ಹಡ್ರಿ
आज बार बार बीजेपी सरकार लंगी हो रही है, क्योंकि गोवा में इलेक्शन प्रचार के लिए शशिकांत पाटिल गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो अपना फोटो, उनका फोटो जो वायरल हुआ है, हम औरतें अगर उस ग्रुप में रहेंगे तो शर्मनाक महसूस होता है। बीजेपी के ग्रुप में ही उन्होंने शेयर किया है और वहाँ पे पूरा महिला है, ग्रुप में महिला रहती है। आज कोविड में जो भी पैसा कमाया है, आज बीजेपी सरकार रंग रलियों में खत्म कर रही है। वो इलेक्शन के चुनाव को गए लेकिन वो पैसा रंग रलियों में उड़ा रहे, अपना मसाज करके लेते वक्त मेरा फोटो वायरल हुआ बोलते हैं, कोई मसाज करते वक्त वीडियो बनाता है क्या अपना? आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले, इतने दिन बेटियों का शोषण हो रहा था और आपके बार बार अधिकारी लंगे हो जाते हैं। अरे नानू गोवा राज्य ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಜನರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಜನರನ್ನ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಗೋವಾ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ಕೆಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ.